गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है मिक्स वेजिटेबल पोहा, जिसे मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। और सच में दोस्तों, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तेल गर्म करने के लिए रखा है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई जीरा और सौंफ का तड़का देंगे, हरी मिर्च और करी पत्ता डालेंगे और हींग ऐड करेंगे। अब इसमें पत्ता गोभी, गाजर और हरे मटर के दाने डाल देंगे। स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर सब्जियां अच्छे से पक गई है, तो उसी के साथ हम हल्दी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। उबले हुए आलू और टमाटर ऐड करेंगे। अब पोहा और आलू के जितना नमक ऐड करेंगे, क्योंकि पहले हमने सिर्फ सब्जियों के जितना ही नमक ऐड किया था। अब इसे कुछ सेकंड के लिए चलाते हुए पका लेंगे। अब नींबू का रस ऐड करेंगे और थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब उसी के साथ हम भिगोए हुए पोहा ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे। अब इसे कुछ सेकंड के लिए ढक्कन लगाकर रहने देंगे। तो यहाँ पर हमारा पोहा रेडी है। सबसे आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सुपर टेस्टी पोहा रेडी है। अगर इस तरह का गर्मा गर्म पोहा ब्रेकफास्ट या फिर डिनर में मिल जाए तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो ब्रेकफास्ट के लिए पोहा बन गया है। अब टिफिन के लिए हम आलू जीरा बनाएंगे, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स नए भी होंगे तो वो ये रेसिपी देख सकते हैं। तो तेल में मैंने जीरा का तड़का दे दिया है। अब इसमें काजू के टुकड़े ऐड करेंगे, हरी मिर्च और करी पत्ता डाल देंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। तो काजू थोड़े से सुनहरे हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे। थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे और भून लेंगे। उसी के साथ हम उबले हुए आलू ऐड करेंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे। नींबू ऐड करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। तो मसालों में और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब्जी थोड़ी सी खट्टी और स्पाइसी ही अच्छी लगती है। तो आपको लग रहा होगा कि ये सब्जी बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये थेपला के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमारा झटपट बनने वाला आलू जीरा रेडी है। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और आलू जीरा के साथ मैंने बनाया है सिंपल थेपला। और थेपला को पैक करने के लिए मैंने यहाँ पर ओडी यूनिरे पेपर फॉइल लिया है, क्योंकि इसमें पैक किया हुआ खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या मेटल नहीं है, तो हम इसका बिना टेंशन यूज़ कर सकते हैं और इसका हम रीयूज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो ये है थेपला और साथ में है चटपटा आलू जीरा और साथ में थोड़ा सा पोहा। आज पोहा बहुत ही टेस्टी बना है। तो हस्बैंड ने कहा कि थोड़ा सा पोहा भी टिफ़िन में डाल दो। तो ये है मेरा आज का टिफ़िन। आज आपने टिफ़िन में क्या बनाया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी आइडिया आएगा।